हेलो एवरीवन वन कनोजे सर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी स्टूडेंट्स टू इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम सेट 50 क्लास 5th मैथ चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका जो लेसन नंबर 12 है पैरिमीटर एंड एरिया उसका हम लास्ट प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट नंबर 50 इस वीडियो में कवर करने वाले सो so बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते स्टार्ट करने से पहले एक और बात हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है तो फटाफट उसको डाउनलोड कर लीजिए हम जल्द ही उस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट फिफ्टी देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 50 जो है ये पेरीमीटर और एरिया का प्रॉब्लम सेट है और पेरीमीटर पर, और एरिया में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ओके हम रिकॉल कर ले हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ओके एरिया ऑफ स्क्वायर ओके अगर मान लो ये अगर मैं स्क्वायर बनाऊं सॉरी ये हमने स्क्वायर लिया है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा भाई एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड साइड इंटू साइड को हम क्या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं ना आपने स्क्वायर तो आपको निकालना आता होगा जैसे मान लो हमें स्क्वायर टू का स्क्वायर निकालना है तो टू का स्क्वायर निकालने के लिए के क्या पड़ता के लिए two two करना पड़ता है टू का स्क्वायर निकालने के लिए टू को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर है समझ में आ रहा है जैसे हमें फोर का स्क्वायर निकालना है तो फोर का स्क्वायर निकालने के लिए फोर इंटू फोर दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो अगर हम फोर इंटू फोर अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फोर का स्क्वायर वैसे अगर हम साइड इंटू साइड लिखे तो इसका मतलब होता है साइड स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए आर ई ए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर भी होता है या फिर आप इसे साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं ओके जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं आप चाहे तो साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की अगर हम कोई रेक्टेंगल ले तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एक होता है बेस और एक होता है हाइट ओके okay? तो आप बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हैं ओके okay? या फिर एक इस बेस को लेंथ भी कहते हैं और हाइट को चौड़ाई मतलब ब्रिद भी कहते हैं तो आप लेंथ इनटू ब्रिद भी कह, लिख सकते हैं ओके तो आप बी इनटू अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू आप बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हैं या एल इनटू ब्रिद मतलब लेंथ इनटू ब्रिद भी लिख सकते हैं ओके समझ में आ रहा है इसी को बेस भी कहेंगे इसी को लेंथ भी कहेंगे इसी को हाइट भी कहेंगे और इसी को वृद्ध भी कहेंगे ओके वृद्ध भी कहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं कंफ्यूज नहीं होना है आपको जो इजी लगता है वो मतलब एक ही है ओके आप एल इंटू बी करें लिखे या बी इंटू एच लिखे लेंथ इंटू ब्रिद लिखे ओके या बेस इंटू हाइट लिखे ओके बस आपको समझना जरूरी कि आप क्या उससे समझना चाहते हैं वैसे हमने क्या पढ़ा है भाई हम एक बार रिकॉल कर ले हमने क्या पढ़ा है हमने हमने लेंथ वृद्धि पढ़ा है ना देखो लेंथ इंटू वृद्धि हमने पढ़ा है तो हम यहां पर लेंथ इंटू वृद्धि ले लेंगे ओके ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू थ इंटू ब्रेथ ओके तो यही फॉर्मूला अभी हम लेके चलेंगे और इन्हीं फॉर्मूले के मदद से हम प्रॉब्लम सेट 50 को सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम okay? सेट so, 50 का जो पहला क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट अलग पेज पे लिख लिया है आइए अब इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर गिवन बिलो मतलब यहां पर देखिए अलग अलग साइज के स्क्वायर दिए हुए हैं और इन साइज के स्क्वायर मतलब इनका हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है हमें स्क्वायर का जो वन साइड होता है वो दिया हुआ है स्क्वायर का वन साइड साइड ओके एक देखो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर हर एक स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी होगी वो हमें दी हुई है वन साइड की लेंथ दी हुई है हमें उन सभी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि बहुत ईजी है ओके okay? सो so, अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन सो फर्स्ट है साइड ओके लेंथ ऑफ साइड कितनी है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मीटर ये हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा या तो आप साइड का स्क्वायर कीजिए या साइड इंटू साइड कीजिए तो हम क्या करते हैं साइड 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 कर लेते हैं ओके बेटा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व और जब आप ट्वेल्व से ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर जो कि ट्वेल्व का ही स्क्वायर है ओके सेकेंड सॉल्व करते हैं ओके okay. अब यहां पे हमें लेंथ दी हुई है लेंथ ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर सॉरी यहां पर देखिए मीटर में दिया हुआ है तो हम यहां पर भी मीटर में ही लिखेंगे ओके okay. इसको ध्यान में रखना ओके okay. और साथ में लास्ट में हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 मीटर्स और हम अपने आंसर को क्या करेंगे बेटा बॉक्स में फ्रेम करेंगे ओके okay? इस बात को नहीं भूलना है हमें लेंथ दी हुई है वन साइड की सिक्स सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे निकलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है साइड इंटू साइड ओके साइड इंटू साइड मतलब सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो आंसर आता है थर्टी सिक्स तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स ओके मीटर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर तो ये सेंटीमीटर है एरिया है तो एरिया आ तो जाएगा थर्टी सिक्स स्क्वेयर सेंटीमीटर अब ये क्यों आता है ये आपको मैं बता दूं ध्यान रखिए ये देखिए ये कितना है सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर को सिक्स सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर ओके हमने कैटेगराइज कर लिया तो सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स हो जाएगा ओके okay? मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं थर्टी सिक्स को नहीं भूलना है यहाँ पर हमें यूनिट यूनिट लगाना लगाना जरूरी है। ओके। बहुत जरूरी है हमने यहां पर भी यूनिट नहीं लगाया था ओके तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सॉरी फॉर दैट हम यहां पर अपना यूनिट जरूर लगाएंगे तो आ जाएगा 144 स्क्वायर मीटर आप एम बी लिख देंगे तो भी चलेगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके उसके बाद 25 मीटर है यहां पर तो लेंथ हमें पता है क्या करेंगे सिंपल है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बेटा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ओके तो so साइड कितना है 25 फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625 ओके तो यहां पर जो आंसर आया वो आया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 फाइव स्क्वेर मीटर यहां पर हम मीटर में निकाल रहे हैं तो इसमें हम मीटर में ही लिखेंगे और हम हमारे आंसर को सिंपली बॉक्स में डाल देंगे ओके okay? बस इस तरह से तो करना है अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है 18 सेंटीमीटर तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ठीक है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ओके okay? So, 18 मल्टीप्लाई बाई एटीन आपको स्क्वायर तो आने ही चाहिए ये होते हैं 324 तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वन मिनट मेरे वजह से छुप रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके क्या आ जाएगा 324 स्क्वायर सेंटीमीटर नीचे लिख ले अच्छे से एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 स्क्वायर सेंटीमीटर और हम इसे सिंपली क्या कर लेंगे फ्रेम कर देंगे ओके okay? तो हो गया हमारा फ्रेम तो बस इस तरह से इसे करना था आई होप दैट ये पहला क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर हो गया होगा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ओके okay? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखिए इफ द कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड नाइन हंड्रेड रुपीज देखिए इफ द कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर मीटर देखो एक स्क्वायर मीटर ठीक है कितने कितनी की कॉस्ट पूछ रहा है देखिए कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर मतलब जमीन है जमीन बहुत बड़ी है तो जमीन में अगर एक स्क्वायर मीटर हम ले तो उसकी कॉस्ट है 900 ओके फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ लैंड दैट 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड तो हमें यहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में पूछ रहा है ओके okay? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक हमारी डायग्राम बनाएंगे ये डायग्राम है जिस हिसाब से ये यहां पर बोला जा रहा है ओके ये कितना लंबा है 25 मीटर लॉन्ग तो ये जो लेंथ होगी ये 25 मीटर की होगी और ब्रॉड मतलब चौड़ा कितना है 20 मीटर तो ये जो लेंथ होगी ये 20 मीटर वाली होगी ओके अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो इसका इस एरिया निकालना और एरिया निकालने के बाद ये जमीन कितने रुपए की होगी वो भी हमें निकालना है ओके तो आइए इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ओके ये प्लॉट कैसा है रेक्टेंगुलर है हमने डायग्राम बनाया हमें समझ में आया एक जैसा एक लेंथ बड़ी है और एक छोटी है एक ज्यादा बड़ी एक छोटी है तो ऐसा होता है रेक्टेंगल ओके okay. तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ ऑफ one minute hmm. length of rectangular plot is equals to 25 meter okay or ब्रिड ब्रिड कितनी है 20 मीटर हम क्या निकालेंगे एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रिथ तो ये कितना है बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके okay. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, रफ में यहां पर तो कितना आ जाएगा देखिए टू इंटू ट्वेंटी फाइव कितना होगा फिफ्टी और ये जीरो मतलब फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर ये होना चाहिए ओके तो ये ये जो एरिया हो गया वो हो गया फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर यहां लिखेंगे ओह ये हो गया फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर ओके okay. तो यहां पर हमारा पहला आंसर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 500 स्क्वायर मीटर और हम इसे क्या कर देते हैं फ्रेम कर देते हैं okay. ओके हाँ उसके बाद अब हम चलते हैं हमें क्या निकालना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट सबसे पहले अब हम क्या करेंगे इसकी प्लॉट की कॉस्ट निकालेंगे नाउ वी फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट ओके तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायेर मीटर कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू नाइन हंड्रेड रुपीज तो टोटल टोटल कितने स्क्वायर मीटर है फाइव हंड्रेड तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 900 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन फाइव कितना हो जाएगा 45. फाइव यहां से दो जीरो और यहां से दो जीरो यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड तो या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर लैंड इज इक्वल्स टू फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और हम इसे कर देंगे फ्री बस इस तरह से करना था आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा ओके आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ओके ये कैसे किया हमने बहुत सिंपल था हमें क्या दिया हुआ था कॉस्ट कॉस्ट ऑफ़ स्क्वायर स्क्वायर मीटर मीटर दी तो हमें ये समझ में आएगा कि ये रेक्टेंगल है तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया उसकी हमने साइड दी बाद में हमने उसका एरिया निकाला एरिया हमें पता चला फाइव हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर का है ओके उसके बाद हमें पता था कि एक स्क्वायर मीटर की वैल्यू नाइन हंड्रेड रुपीज है तो फाइव हंड्रेड मीटर की वैल्यू कितनी होंगी तो हमने क्या किया फिर नाइन हंड्रेड को फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर यहां पर आ गया ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है द साइड ऑफ स्क्वायर इज फोर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो साइड है वो फोर सेंटीमीटर की है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेंटीमीटर देखो यहाँ पर क्या क्या है स्क्वायर स्क्वायर भी भी है और भी है. Square, square है और देखो साइड ऑफ स्क्वायर की, की साइड दोनों फिगर का पेरीमीटर और एरिया निकालना है तो दोनों चीजें करनी है तो हम सबसे पहले यहां ये किसके लिए भाई सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना ले ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल ठीक है ये किसके लिए है फॉर फोर सेंटीमीटर साइड स्क्वायर ओके और ये क्या है फॉर रेक्टेंगल ओके इसकी साइड कितनी है फोर 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 किस में है सेंटीमीटर में है ओके okay. इसकी लेंथ कितनी है एट और इसकी जो ब्रॉड है है वो कितनी है टू सेंटीमीटर की है okay. ये हमने डिटेल यहां पर ले ली है हमें क्या पूछ रहा है फाइंड पेरीमीटर हमें पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है फोर इंटू साइड है ना फोर इंटू साइड तो फोर इंटू साइड कितनी है वन टू थ्री फोर समझ में आया पैरीमी देखो लेंथ भी कितनी है फोर और साइड भी कितनी है फोर तो फोर फोर जा सिक्सटीन ये हो गया उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या 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 होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ओके तो साइड कितनी है फोर फोर इंटू फोर तो आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटीन देखिए तो स्क्वायर में पेरीमीटर और एरिया दोनों का आंसर एक जैसा होता है रेक्टेंगल में डिफरेंट होता है अभी हम क्या करेंगे रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा टू इंटू एल इंटू बी ओके तो टू मल्टीप्लाई बाय एल इंटू बी ये जो ब्रैकेट होता है इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है ओके okay? तो एल इन बी कितना है बेटा टू इंटू एट ओके तो टू टू भी कितना है सिक्सटीन ये सिक्सटीन को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टू इंटू सिक्सटीन टू इंटू सिक्सटीन मतलब कितना हो जाएगा थर्टी टू समझ में आ रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा थर्टी टू वन मिनट मेरी वजह से छुप रहा है तो कनोजी सर को थोड़ा छोटा कर देते हैं यहां पर ठीक है तो ये हो गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रिथ ओके तो कितना है टू इंटू एट तो लेंथ कितनी है एट और ब्रिथ कितनी है टू एट टू जा सिक्सटीन तो हो गया एरिया इसका कितना हो गया सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया है एरिया किस में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में यहां पर भी हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर और आप अपने आंसर को क्या कर लेंगे पूरा लिखकर बॉक्स में कर लेंगे ओके आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बस इस तरह से इसे करना था आई होप दैट ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आइए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल दैट 60 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड इफ द कॉस्ट ऑफ लेइंग वन स्क्वायर मीटर इज एटी रुपीज़। देखिए क्या कह रहा है कि एक हमें यहां पर असेंबली हॉल बनाना है वॉट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल 60 मीटर मीटर लॉन्ग 12 वाइड एक असेंबली हॉल है जो 60 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है मतलब 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है ओके okay? इतना बड़ा अगर हॉल बनाना है तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी अगर इतना बड़ा हॉल बनाना है तो अब यहां पर क्या कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ लिंग वन स्क्वायर अगर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट अस्सी रुपए है ठीक है एक हॉल बनाना, बनाना है असेंबली हॉल बनाना है जो 16 मीटर लंबा होना चाहिए 12 मीटर चौड़ा होना चाहिए तो मान लो हमने एक असेंबली हॉल ले लिया और ये जो हॉल है ये 16 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है चौड़ा है ओके okay, अब यहां पर जो कॉस्ट है लेबर की वो लेबर की कॉस्ट क्या है लेबर क्या चार्ज करना चाहता है एक स्क्वायर मीटर पे वो काम करेगा एक स्क्वायर मीटर का हॉल बनाएगा तो अस्सी रुपए लेगा तो अगर इतना बड़ा हॉल बनाना है तो बताइए लेबर को टोटल कितने रुपए देने होंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेंथ हमें कितनी दी हुई है लेंथ दी हुई है सिक्सटीन मीटर और हमें ब्रिद दी हुई है ब्रिद दी हुई है ट्वेल्व मीटर ओके हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ़ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू तू तो लेंथ कितनी बेटा 16 और ब्रेड है 12। आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। ओके, okay, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12। 26 जा, 26 जा 12 के टू कैरी वन, 21 जा 2, 2 प्लस 1, 3। ओके, okay, 0, 16, 11। तो कितना हो जाएगा 2, नाइन वन हंड्रेड नाइनटी टू तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड नाइनटी टू स्क्वायर मीटर ओके ये हो गया इसका एरिया अंडरस्टैंड अब एरिया मिल गया हमें हमें क्या करना है कॉस्ट

कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर मीटर इजिक्वल्स टू एटी रुपीज हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ वन नाइनटी टू स्क्वायर मीटर निकालना है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन हंड्रेड देर फोर कॉस्ट ऑफ वन हंड्रेड नाइन्टी टू स्क्वायर मीटर मीटर इजिक्वल टू क्या आ जाएगा वन हंड्रेड नाइन्टी टू मल्टीप्लाई बाई एटी इसको अब एटी से मल्टीप्लाई करना होगा

ऑफ 192 नहीं ये तो हमें आंसर मिल गया हम सबसे पहले यहां पे आंसर लिख ले 15360 ओके अब यहां पर देर फोर का साइन लेके क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ असेंबली हॉल ओके तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ असेंबली हॉल बली हॉल इज इक्वल्स टू फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज ये होगी इसकी कॉस्ट और हम इसे करेंगे फ्रेम अंडरस्टैंड बस इस तरह से इसे करना था आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझने में या फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है ओके पर आई होप दैट और मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन में मेरे द्वारा समझाने पर दिक्कत नहीं होगी सो द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज सम स्क्वायर ये जो पिक्चर है यहां पर कुछ स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं देखिए ये 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 सब स्क्वायर है फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर विद द सेम मेजर विल फिट इन एम्प्टी स्पेस इन फिगर अगर देखो ये वाला स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये सारे स्क्वायर एक जैसे है बेटा ये सारे स्क्वायर जो है वो एक जैसे है ऐसे ही स्क्वायर अगर हम इन खाली जगह पर बनाएंगे तो बताइए कितने स्क्वायर बैठेंगे अब अब आप क्या करोगे इसको ड्रॉ करके बता दोगे कि भाई यहां पर कितने स्क्वायर बैठेंगे आप ऐसा कर लोगे आप बोल दोगे ये हमने ऐसा लाइन कर लिया हमने ये ऐसा लाइन मिला दिया हमने ये लाइन मिला लिया तो हमें समझ में आ गया कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्क्वायर यहां पर बैठे ओके हाँ बिल्कुल सही है ना सिक्स स्क्वायर तो यहां पर आएंगे पर इसे हम सॉल्व करके कैसे बताएंगे आप यहां पर डायग्राम को ड्रॉ करके बता लूंगे पर इसे सॉल्व करके दिखाना है भाई सॉल्व करके हम कैसे दिखाएंगे वो ज्यादा जरूरी है ना हमें सॉल्व करके सबना जरूरी है ओके तो हम इसमें सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें कितने स्क्वायर बैठने वाले हैं ओके इस जगह पर खाली जगह पर कितने स्क्वायर बैठेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन ओके तो देखिए लेंथ ऑफ एम टी स्पेस हमें सबसे पहले एम टी स्पेस की लेंथ निकालनी होगी ये खाली जगह है ये जो बॉक्स है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ये देखो बॉक्स है ये खाली जगह है खाली स्पेस है इस खाली स्पेस को ये जो है रेक्टेंगल साइड में दिख रहा है हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है अब ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ भी होंगी इसकी वृद्ध भी होंगी ओके तो हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ एम टी स्पेस लेंथ ऑफ Empty space, okay. Length of empty space कितना हो जाएगा देखो बेटा ये कितना है देखो ये जो बॉक्स होते हैं ये वन स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस वन हुआ या टू हुआ या थ्री हुआ या फोर हुआ तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये फोर का है ये पूरा डिस्टेंस भी फोर का होगा तो अगर ये वन का है तो ये कितना होगा फोर माइनस वन है ना ये कितना होगा फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री तो लेंथ ऑफ स्पेस इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री तो स्पेस की जो लेंथ है वो थ्री है और क्या लिखेंगे ब्रिथ ऑफ एम टी स्पेस एम टी स्पेस नीचे भी लिखना था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया पूरा नाम लिखिएगा एम टी स्पेस तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर कितना है वन टू थ्री ओके तो ये वाला बॉक्स वन है ये देखो वन टू थ्री टोटल थ्री है थ्री में से वन माइनस करो थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू टू तो ब्रीट कितना हो गया टू ओके okay. तो अब हमें क्या करना है यहां पर कितने स्क्वायर बैठेंगे ये हमें बताना है तो यहां पर कितने स्क्वायर बैठेंगे मतलब हमें इसका एरिया निकालना है समझ में आया तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन एम्प्टी स्पेस तो लिखेंगे नंबर नंबर ऑफ स्क्वायर इन एम टी स्पेस इज इक्वल टू ले इंटू ब्रेथ थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स तो यह है आपका आंसर तो यहां पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वेयर इन एम टी स्पेस नंबर ऑफ स्क्वायर इन एम टी स्पेस इज इक्वल टू सिक्स ये आपका फाइनल आंसर हुआ आप इसे बस इस तरह से करते आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा फटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर ले फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स डिवाइड द फिगर गिवन अलोंग साइड इन टू फोर पार्ट ये जो फिगर दी हुई है इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ शेप इच पार्ट इज द सेम हर एक पार्ट का जो एरिया होगा वो सेम होना चाहिए ओके okay? मतलब इस फिगर को हमें चार पार्ट में डिवाइड करना है और सभी पार्ट का एरिया एक जैसा होना चाहिए ओके okay? तो यह कैसे होगा ओके okay. तो आइए डिवाइड द फिगर इनटू फोर इक्वल पार्ट या लिखेंगे डिवाइड फिगर इनटू फोर इक्वल पार्ट अब फोर इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्क्वायर पता होनी चाहिए कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो नंबर ऑफ स्क्वायर टक्वाइड बाय फोर तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं ट्वेल्व है ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व फोर आएगा आंसर थ्री ओके तो थ्री स्क्वेर इन ईच पार्ट तो लिखेंगे देयर थ्री स्क्वायर इन ईच पार्ट हर पार्ट में तीन स्क्वायर चाहिए अब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम चलिए इस पार्ट को कलर कर लेते हैं हमने मान लीजिए हमने क्या किया ये पार्ट हमने कलर कर लिया ठीक है ये हो गया भाई एक पार्ट हमने एक पार्ट एक कलर से कलर कर लिया आप पेंसिल के शेड बना के कलर कर सकते हैं ठीक है अब हम दूसरा पार्ट कलर करते हैं ओके अब दूसरा पार्ट हम दूसरे कलर से कलर कर लेते हैं ये देखो ये एक पार्ट हमने कलर कर लिया ठीक है ये तीन बॉक्स का एक पार्ट हो गया ठीक है ओके उसके बाद आ, फिर हम क्या कर लेते हैं नहीं ऐसा नहीं करते वन मिनट हम अलग तरह से डिवाइड करेंगे ये ये हो गया एक पार्ट ये हो गया ठीक है ओके okay, इसमें भी देखो इधर तीन बॉक्स आ गए इधर तीन बॉक्स आ गए अब फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं दूसरा कलर क्या ले लेते ब्लैक ले लेते ओके okay? ये यहां पर ठीक है ये देखो तीन आ गए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं और एक अलग कलर ले लेते हैं वैसे ब्लू ही ले, ले, ले लेते हैं यहाँ पर ये अब आप देख सकते हैं हमने सबको अलग अलग पार्ट में क्या कर लिया है डिवाइड कर दिया है है ना बच्चों बस इस तरह से इसे करना था आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो कि बहुत इजी था ठीक है हमने क्या कर दिया सबसे पहले बॉक्स को गिना ठीक है हमको फोर इक्वल पार्ट करने थे इसलिए बॉक्स को गिन के फोर से डिवाइड कर दिया हमें आंसर आया तीन हमने तीन बॉक्स को इस तरह से डिवाइड किया कि सबके शेप एक जैसे हो जाए तो देखो इसका भी शेप ऐसा ही है इसका भी शेप ऐसा है इसका भी शेप ऐसा है इसका भी शेप ऐसा है सबके शेप यहां पर कैसे है बच्चों एक जैसे बस इस तरह से से करना था आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और साथ में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो चैनल में अब पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में यहाँ पर हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर ट्वेल्वीटर एंड एरिया सो बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में